नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में पिछले करीब 8 साल से बीजेपी की सरकार है और केंद्र में 10 साल से अधिक साल हो गए बीजेपी की सरकार है। ऐसा दल जो लंबे समय से सत्ता में हो, केंद्र में भी और राज्य में भी, और उस दल के विधायक यदि 1 माह में अपनी पार्टी के लिए कुछ 100 मेंबर भी नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसे विधायकों को लेकर बीजेपी को क्या करना चाहिए, यह एक सवाल है। यह सवाल उत्तराखंड में 47 से अधिक विधायकों को लेकर जन्मा है, क्योंकि बीजेपी के पास उत्तराखंड में 47 विधायक है। पूरे देश में इस वक्त बीजेपी का मेंबरशिप अभियान चल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने हर विधायक को पार्टी के लिए 10,000 मेंबर बनाने का टारगेट दिया है और यह मेंबरशिप अभियान उत्तराखंड में 21 अगस्त से शुरू हुआ और 21 सितंबर को अमर उजाला में एक खबर छपी जो बताती है बीजेपी के 47 में से एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसने पार्टी के लिए मेंबर बनाने का 10,000 का टारगेट हासिल कर लिया हो। हालांकि अभी समय बाकी है, लेकिन सत्ता में रहने वाले दल के विधायक के लिए 10,000 लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ना, मेंबर बनाना, तो कुछ ही दिन में यह काम हो जाना चाहिए। लेकिन 16 सितंबर तक बीजेपी के 13 विधायक तो ऐसे हैं जो 9 से लेकर 100 तक लोग ही बीजेपी में जोड़ पाई है। हालांकि यह खबर छपने के बाद आंकड़ा तेजी से अपडेट होने लगा। अब कई विधायक तो ऐसे हैं जो 10,000 का आंकड़ा छू लिया है, जिन्होंने 10,000 के ऊपर भी पहुंच गए हैं। कई विधायक 10,000 के करीब पहुंच गए हैं। अभी बहुत से विधायक इसके बाद भी अभी बहुत से विधायक ऐसे हैं जो 5,000 तक नहीं पहुंचे। सवाल यह है, जो इतने हल्ले के बाद भी अपने क्षेत्र से 5,000 लोग पार्टी से ही जोड़ पा रहे हैं, ऐसे विधायक क्या अगले चुनाव में बीजेपी के टिकट के हकदार होने चाहिए, यह एक सवाल है। वैसे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने अपने विधायकों के बचाव में कुछ तर्क रखे, उनको सुनना चाहिए उनके तर्क क्या है। लेकिन उनके तर्क के बाद भी अगर उनके तर्कों को मान भी लिया जाए तो भी यह सवाल तो पैदा होता ही है कि 10,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं है, वो भी उस दल के विधायकों के लिए जो लगातार सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, प्रदेश की सत्ता में है। यह ऐसा आंकड़ा तो नहीं है जिसको हासिल करने के लिए महीनों का समय चाहिए। 25 सितंबर को बीजेपी अपनी इस मेंबरशिप कैंपेन की समीक्षा करेगी और जो विधायक 25 सितंबर तक 10,000 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए क्या आदेश जारी होंगे, यह तो बीजेपी का अंदरूनी मसला है। लेकिन बीजेपी को ऐसे विधायकों की जगह पर नए लोगों का विकल्प तो तलाश करना ही शुरू कर देना चाहिए जो 10,000 मेंबर तक एक विधानसभा क्षेत्र से जोड़ नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने बड़े नेताओं के नाम पर जीतने वाले ऐसे नेताओं के बारे में बीजेपी को समीक्षा करनी चाहिए, वरना एक दिन इस तरह के विधायक बीजेपी की लुटिया डुबो ही देंगे, ऐसा माना जाना चाहिए। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहां से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ भी हमने मैनुअल फॉर्म बनाने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं, तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। आप एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी 47 सीटों पर जीती, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, अगर उस लोकसभा चुनाव में मिले वोट को सीट वाइज, विधानसभा वाइज देखे तो बीजेपी उत्तराखंड में 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही। यह एक बहुत बड़ी फिगर है। ऐसा लगता है यह जो वोट पार्टी को आ रहे हैं ये बीजेपी के विधायकों के कहने पर तो नहीं आ रहे, यह वोट बीजेपी का कैडर वोटर है वो दे रहा है या फिर बड़े नेताओं को देख कर दे रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी ने पिछली बार जो मेंबरशिप अभियान चलाया था उस सदस्यता अभियान में 15 लाख लोग मेंबर बनाए गए थे, इस बार टारगेट 20 लाख रखा गया है। यानी उत्तराखंड में जो टोटल वोटर है 75% बीजेपी का कहना है हम मेंबर बनाएंगे। अभी 21 सितंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा बीजेपी उत्तराखंड में 9 लाख मेंबर बना चुकी है।
अब 25 सितंबर को इस मेंबरशिप अभियान की समीक्षा होनी है, देखते हैं उत्तराखंड में बीजेपी कहां तक पहुंचती है और उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक कहां तक पहुंचते हैं। और यह जो मेंबरशिप अभियान है इसमें बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक मिस कॉल ही तो मोबाइल से होनी है पार्टी द्वारा निर्धारित नंबर पर, इसके बाद भी अगर विधायक पिछड़ रहे हैं तो यह तो एक विचारणीय बिंदु बनता ही है कि इन विधायकों की अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आखिर जान पहचान कितनी है, पकड़ कितनी है। क्या ये केवल नरेंद्र मोदी या पार्टी के बड़े चेहरों के नाम पर ही जीत रहे हैं, यह एक सवाल बड़ा उठ रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।